ये वीडियो आपके जीवन को बदल देगा और एक नई राह मिलेगी। देखते रहिए ये वीडियो अंत तक। कहते हैं ना कि इंसान अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहे तो पूरी कायनात उसे उससे मिलवाने में जुट जाती है। माना कि ये फिल्मी डायलॉग है, लेकिन सच है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचने से नहीं रोक सकती, फिर चाहे वो लक्ष्य चांद पर जाने का हो या फिर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे देश और दुनिया की नॉलेजेबल वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा तेन्जिंग नोर्गे 63 देशों के 1200 पर्वत राहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की थी, जो अंततः असफल रही। एडमंड ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो खुद भी पहले 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में असफल रहे थे। तब उन्होंने हिमालय की तरफ देखकर कहा था, मैं फिर आऊंगा, तुम उस वक्त भी इतने ही ऊंचे रहोगे, पर मेरा हौसला पहले से कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। 29 मई 1953, यही वह दिन था जब न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के शेरपा तेन्जिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले पहले पर्वतरोही बने थे। दशरथ मांझी, माउंटेन मैन, अपनी पत्नी के लिए पहाड़ का सीना चीरने वाले दशरथ मांझी के बारे में। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के रूप में भी जाना जाता है, दशरथ मांझी काफी कम उम्र में ही कोयले की खानों में काम करते थे। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव के एक गरीब मजदूर थे। जब अपनी पत्नी के पैर फिसलकर पहाड़ से गिर जाने के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ये अपने घर लौटे तो उन्हें गहरा सदमा लगा और केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 वर्षों के परिश्रम के बाद दशरथ की बनाई गई सड़क ने अत्री और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। दोस्तों, है कोई आप में से एक जो अपनी बीवी को इतना प्यार करता हो? मांझी ने बताया कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इसने मेरे निश्चय को और मजबूत किया और दशरथ मांझी द्वारा वर्षों की मेहनत से पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने से पहले बिल गेट्स ने हार्वर्ड कॉलेज में बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया जो बुरी तरह असफल साबित हुआ और आज ये महान बिल गेट्स दुनिया में सबसे ज्यादा दान देते हैं। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन को उनकी भारी भरकम आवाज के लिए पहचाना जाता है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज को रिजेक्ट कर दिया था। उन्हें जंजीर के रूप में पहली हिट मिलने से पहले 12 असफल फिल्मों का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन वे पिछले 4.5 दशक से फिल्म इंडस्ट्री में हैं और आज उनका बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक सिक्का चलता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया में जीनियस के तौर पर पहचाने जाने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन 4 साल तक बोल और 7 साल की उम्र तक पढ़ नहीं पाते थे। इस कारण उनके माँ बाप और शिक्षक उन्हें एक सुस्त और गैर सामाजिक छात्र के तौर पर देखते थे। इसके बाद उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और ज्यूरिख पॉलिटेक्निक में दाखिला देने से इनकार कर दिया गया। इन सब के बावजूद वे भौतिक विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा नाम साबित हुए। वॉल्ट डिज्नी, नौकरी के दौरान वॉल्ट डिज्नी को अखबार के संपादक ने ये कहकर निकाल दिया कि उनके पास कल्पनाशीलता और नए विचार नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपने व्यवसाय शुरू किए, लेकिन दिवालिये हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उनके नाम से एक पूरा साम्राज्य चलता है जिसके हम सब गवाह हैं। थॉमस एल्वा एडिसन, क्या आप 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की आशा कर सकते हैं? एक इंसान ने की थी जिसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। यह इंसान है थॉमस एल्वा एडिसन। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं परंतु और भी कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए जानते हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक लाइट बल्ब बनाने से पहले 1000 निष्फल प्रयत्न किए थे। बचपन में इन्हें उनके शिक्षक द्वारा बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कमजोर है। आज उस शिक्षक का नाम किसी को याद नहीं, लेकिन एडिसन को सभी लोग जानते हैं। इस सफलता के बाद उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं बल्कि मैंने ऐसे 1000 रास्ते खोजे जिनसे सफलता नहीं मिल सकती। दुनिया में ऐसी कई महान शख्सियतें हैं जो बुरी तरह असफल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज वो लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क केवल उनकी सोच, नजरिए और विश्वास का होता है, खास करके सरकारी परीक्षा के इंटरव्यू में, जहाँ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ 10 मिनट में काबिलियत को नहीं मापा जा सकता। ये इंटरव्यू वाली अंग्रेजी नीति बंद होगी तभी देश का उद्धार होगा। खास करके गुजरात के GPSC, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार होने की बात सामने आई है, जो कि हम उस पर भी एक वीडियो जल्द ही बनाएंगे जिससे किसी को अन्याय न हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अपनी राय हमें कमेंट्स में दें। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में।
देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। पहाड़ पार 4 मील पर है वजीरगंज कस्बा, लेकिन वहां जाए के लिए भी 40 मील घूम के जाना पड़ता। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये फगुनिया है, ये हमार मैरिया है। तो और खातिर गिपट लाए हैं, एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनाया था। पैसा शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ताकत कहाँ से लाते हैं? ये प्रेम है, प्रेम पर बहुत बल है भगवान। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।